ड्रोन यूनिट से फरार लूट के आरोपी माल सहित गिरफ्तार। उमरेड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी नितिन डहरिया ने विजय जायसवाल, जो कि छिंदवाड़ा में इलेक्ट्रिकल एवं फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं, आरोपी ने विजय जायसवाल की दुकान से उधार सामान खरीद कर अन्य किसी को बेच दिया। आरोपी से बार बार जाकर रुपयों की मांग की जा रही थी, जिस पर आरोपी ने अन्य साथी नगनी प्रीत चैहान परासिया निवासी तथा सुगम रोहना कला निवासी के साथ मिलकर सेठ विजय जायसवाल को सबक सिखाने का षड्यंत्र बनाया। रुपए देने के बहाने उमरेड के पास गौमुख बुलाकर आरोपी ने सेठ विजय जायसवाल से मारपीट कर गले में पहना हुआ सोने की चेन, सोने का लॉकेट तथा 2 मोबाइल छीनकर लूट की घटना को अंजाम दिया। किसी तरह जान बचाकर पुलिस थाना उमरेड आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की थी, जो आज मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों धर दबोचा। आरोपियों को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया, जहां न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। उमरेड CTN से तारिंद्र सोनी की रिपोर्ट। उमरेड पुलिस के द्वारा एक अच्छी उपलब्धि बरामद की गई है। थाना प्रभारी श्री भगत और उनके स्टाफ के द्वारा एक 20/18 को विजय शंकर जायसवाल के सामने उनकी बारात नितिन और उनके दो साथियों द्वारा की थी, जिसे काफ़ी अच्छी मेहनत और मशक्कत के साथ में महिंद भगत और उनके स्टाफ ने इनको रिकवर किया है, जिनसे लूटा गया माल एक सोने की चेन, लॉकेट सहित उनकी करीब 85,000 रुपये बरामद कर ली गई है। एक स्कूटी बाइक है और एक मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसके इसमें विजय शंकर के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि इसमें हमारे पास से नितिन के द्वारा कुछ सामान उधार लिया गया था, फ्रिज और एक टीवी वगैरह, वो सामान उधार लिया था, उसका पैसा नहीं दिया था। पैसा मांगने पर जब ने बार बार बोला तो उसकी एवज में नितिन ने विजय को गोमू के पास पैसा देने के लिए बुलाया, और जब नितिन विजय वहाँ पर पहुँचा अपने साथी के साथ में, उस समय इनने मारा पिटी।